सी बी एस ई के रिजल्ट घोषित होने के बाद पूरे देश से अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कई जगह खुशी का माहौल है तो कई जगह जो है आतिशबाजी भी जो है छात्र छात्राएं कर रहे हैं हमारे साथ में केंद्रीय विद्यालय बुरहानपुर के प्रिंसिपल हैं बात कर लें सर किस तरह का रिजल्ट रहा आपका जी दिस ईयर रिजल्ट ऑफ क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ वर डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे वेरी अनयूजुअल इन दिस मैनर पिछले दो साल से ड्यू टू तो करोना एंड आफ्टर करोना जो इफेक्ट जो है रिजल्ट डिले करने में सहायता दी तो दिस इयर वी गॉट द रिजल्ट क्वाइट अर्ली इट्स अ वेरी गुड साइन सो दैट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ कैन मेक अप देयर प्लान्स ऑफ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एंड सम पीपल हु आर गोइंग फॉर द कॉलेज एजुकेशन ग्रेजुएशन एजुकेशन दे विल ऑल्सो प्लान दे टेम्पल अमाउंट ऑफ टाइम

खेलाना चाहिए लेकिन से इन इंग्लिश स्काई इज द लिमिट वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड टू गेट हंड्रेड परसेंट छात्रों के अंदर एक खुशी का माहौल रिजल्ट आने के बाद में उन छात्रों को क्या कहना चाहिए कि आप जो रिज़ल्ट परीक्षा देने के बाद में भी फेल हो जाते हैं उन छात्रों को और भी जो बुरहानपुर छात्रों को ऐसे प्रिंसिपल क्या ज्ञान देना चाहिए कि वो आगे और अच्छी पढ़ाई करें जी के का इंस्ट्रक्शन सिस्टम बाक़ी सिस्टम से थोड़ा अलग है हर बच्चे को चार साल की मौका मिलता है कि वो अपने सिस्टम को अपने स्टैमिना को अपने नॉलेज को अपने विजडम को बढ़ावा देने के लिए एज़ पर आती ही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हर बच्चे हुई इज़ हैविंग मिनिमम एज और फाइव इयर्स देन नॉप तो छः साल हो गया शुड गेट कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन अंडर आती ही उसी तहत बच्चे ग्रामीण का हो शहर का हो या कोई डिफेंस सेक्टर का बच्चा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा हो सब एक जगह पर बैठ करके पढ़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन द केयर दैट वी टेक टूअर्ड्स सीड गिव्स रिजल्ट सिमिलरली आठवीं क्लास तक बच्चे जो है प्रमोशन बेसिस पे कंपलसरी पास होने की एक रूल के हिसाब से क्लास आठवीं तक आ जाते हैं आठवीं के बाद जब नौवीं में आता है क्लास नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ये चार साल इसको प्रूव करने का मौका देता है तब तक बच्चे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज विजडम तो आ चुके होंगे बच्चे चार साल अपने प्यूबर्टी एज में कोशिश करता है ट्राई करता है पढ़ाई की तरफ ध्यान दे करके अच्छा करता है और ये खासियत है केवी का एजुकेशन सिस्टम का ये अलग बाकी सिस्टम से थोड़ा अलग है वी हैव ए रिसर्च ओ ओरटेड टोटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड प्रोग्राम बच्चों को पढ़ाई से लेकर के लिखाई से लेकर के खेल कूद थोड़ा बहुत शरारत भी उनमें शामिल है गेम्स में और विनिंग स्पिरिट कैसे बनाते हैं लूज़ होने पर मायूस कैसे नहीं रहना है फिर ट्राई कैसे करना है कई एग्जाम्पल के साथ हमारा टीचर्स बच्चों को समझाते हैं एक की पॉइंट है टीचर के थ्रू बच्चों को हौसला बढ़ाने के एक तरीका हम भी कॉन्स्टेंटली कौंसिल करते हैं बच्चे इधर रियली वीक है कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते कि हमारा बच्चे फेल हो रहा है तो इसको पास कीजिए नहीं तो इसके एक साल का बर्बाद हो जाएगा टाइम तब मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था पहले स्वतंत्र समारोह एटीन फिफ्टी सेवन तांतिया तोपे झांसी लक्ष्मीबाई उन लोगों ने लड़ी थी उसके बाद 1957 तक सौ साल के गैप के बाद हम जा करके इंडिपेंडेंट होकर के हम अपने जीवन जी रहा है तो क्या है? ये सौजाल जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है आप बताइए इट्स इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव द स्ट्रैटी इट्स इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव द मेमोरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ और लर्निंग मेटेरियल ऑल दिस थिंग्स इसलिए पेरेंट्स को इसे समझा करके मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटी का भी एक साल ऐसा ही रिपीट करना पड़ा क्लास वन में वन इसकी उम्र पाँच साल से कम थी दस दिन तो इसका जो एडमिशन मिला नहीं था वो नियर के बाद मिली थी तो इन्वेस्टमेंट ऑफ़ टाइम इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम पेरेंट्स को ये ज़रूरत जानना पड़ेगा और दूसरा पेरेंट शुड नो हैव ट्रस्ट इन द सिस्टम केवीएस सिस्टम में आप बेफिक्र रहिएगा बच्चे कहीं नहीं जाएगा कहीं बिगड़ेगा नहीं हर जगह पे उसकी ऊपर नज़र रहती है शरारत हो तो उसको टैकल करने के लिए गेम्स वाला टीचर है काउंसलर है हमारे पास सीनियर टीचर्स है हमारे पास और भी इक्विपमेंट है जिससे बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं साइकोलॉजिकली बहुत फिजिकली एंड मेंटली ऑल इसलिए बुरहानपुर के स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ केवी का जो नक्शा आप फॉलो करेंगे भले कोई भी स्कूल में हो थोड़ा बहुत भी इसकी अगर नक्शा फॉलो करेंगे मैं अक्सर जब भी मीटिंग में जाता हूँ और स्कूलों में डेफिनेटली आई एडवाइस देम फॉलो के वी एस फॉलो के वी वही बिकॉज इट्स एंटायरली डेडिकेटेड रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एन सी आर टी सी बी एस ई आई सी आई सी बोर्ड सब मिल कर के हाई लेवल पर लेने वाला डिसीजनस को बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके एक तैयारी सप्लाई करने का एक मॉड्यूल से देते हैं तो इट्स ए गुड कॉन्सेप्ट मेरा को 25 साल से सिस्टम में हो गया आई डोंट हैव एनी हैिगरेट्स आई ऑलवेज एन्जॉय बीइंग विद द स्टूडेंट्स एंड टीचिंग एंड टेलिंग देम थिंग्स बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए तो ये सर थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की किस ने आपको भी एडवाइस दिया है तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बी एन सी न्यू के साथ कैमरा पता है शेख रहमान के साथ मैं दानिशा खान बी एन सी मीडिया बुरहानपुर